ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज दिवाली और दिवाली के इस पर्व पर हम सब खुशियां मना रहे हैं, हर जगह खुशियों का ही बोलबाला है, राइट। पर एक क्वेश्चन जो मन में रहता है, कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता है, कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है। हम आज लक्ष्मी गणेश की पूजा धूमधाम से मनाते हैं और कई लोग सिर्फ यही जानते हैं कि या तो इसलिए दिवाली मनाई जाती है कि राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद सीता जी को लेके लौटे थे रावण का वध करके, इसलिए दिवाली मनाई जाती है, इस खुशी में सबने अयोध्या में दिए जलाए थे, ये तो सबको पता है, और दूसरा कि हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आज के दिन हुई हैं, इसीलिए शायद दिवाली इतना बड़ा त्यौहार है हम सबके लिए और इतनी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं, सारी शक्ति सारी पावर्स लगा देते हैं अपने घर को सजाने में, घर को साफ रखने में, हर चीज करने में, हर मेहनत हर कोशिश करते हैं कि आज के दिन कोई कमी ना छूट जाए, दिवाली इतनी बढ़िया हो, ठीक है। सो इन सब के साथ साथ जो और क्या क्या चीजें हुई हैं, किस किस चीज से आज का दिन और भी ज्यादा ब्लेस्ड है, वो भी चीजें मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देती हूँ, ठीक है। आज के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर के तरंग पर सुख से सोते हैं, मतलब आज के दिन ही वो निद्रा में चले गए थे, ठीक है, और इस निद्रा से वो जागे कब, वो जागे तुलसी विवाह के दिन, ठीक है, वो तुलसी विवाह की कथा में बताऊंगी मैं आप लोगों को। और लक्ष्मी जी भी दैत्य भय से विमुक्त होकर कमल में के उदर में सुख से निद्रालीन होती हैं, आज के दिन ही लक्ष्मी जी भी बड़े सुख से अपना कमल में जाकर के निद्रा में चली गई थी, तो मतलब आज सुख वाला दिन है, सुख पाने का दिन है, इसलिए हम कहते हैं ना कि धन और सुख, सुख समृद्धि दोनों मिलती है, तो सुख ऐसे इनसे रिलेटेड है। फिर इसके बाद इस दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था, ओके, ये भी चीज हुई थी। फिर इसके बाद आज के दिन ही क्या हुआ था कि भगवान द्वारा बलिराज को पाताल का इंद्र बनाया गया था, इससे इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर दीप महोत्सव मनाया था, ठीक है। मतलब काफी सारी चीजें आज के दिन हुई है और आज के दिन को ही हम नए नव वर्ष से भी आज का दिन शुरू होता है, आज का दिन नए वर्ष के साथ शुरू होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, या पहले दिन के हिसाब से शुरू होता है आज का दिन। अच्छा ठीक है, ये हो गया इन सब के लिए कि दिवाली में और क्या क्या चीज़ें हुई थी, आज के दिन किस किस चीज़ को लेकर के दिवाली कंसिडर की जाती है, मनाई जाती है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ दिवाली के दिन क्यों। हम सब जानते हैं कि गणेश जी को सबसे पहले पूजने का अधिकार मिला हुआ है, कि मतलब हमें कोई भी पूजा अर्चना, कोई भी हवन, कितना भी बड़े से बड़ा यज्ञ हो, शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, सबसे पहले जिनकी पूजा होगी वो गणपति महाराज की होगी, गणेश जी की होगी, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरण हैं, विघ्नों को दूर करते हैं तभी जाके काम आगे बनते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार लक्ष्मी जी को अपने धन की वजह से घमंड हो गया और उन्होंने विष्णु जी से बोला कि नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं हूँ और मेरी ही पूजा होनी चाहिए, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए पहले, बाद में किसी और की होनी चाहिए। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के घमंड को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए उन्हें बोला कि आप सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। फिर लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप कैसे बोल सकते हैं ये बात। फिर विष्णु जी ने उन्हें बोला कि आप माता नहीं हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए विष्णु जी ने उन्हें बोला कि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हुए, क्योंकि आप माता नहीं हैं, आपकी कोई संतान नहीं है, ठीक है। एक औरत तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बन जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद लक्ष्मी जी को तब बुरा लगा, फिर वो गौरी जी के पास गई, पार्वती जी के पास गई, पार्वती जी से उन्होंने बोला कि आपके पास दो संतान हैं, एक गणेश दूसरा कार्तिकेय, आप मुझे एक संतान गोद लेने दीजिए, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। पार्वती जी ने पहले मना कर दिया, फिर लक्ष्मी जी ने उन्हें सांत्वना दिया कि आप एक पुत्र मुझे दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, वचन देती हूँ कि उसका पालन पोषण मैं बहुत अच्छे से करूँगी और मेरी पूजा से पहले उसकी पूजा होगी, मेरी पूजा अधूरी रहेगी जब तक कोई भी भक्तजन, कोई भी व्यक्ति उन गणेश जी की पूजा नहीं करते।
ये बात सुन के पार्वती जी राजी हो गई और उन्होंने गणेश जी को सौंप दिया लक्ष्मी जी को। उसी दिन से फिर लक्ष्मी जी के पूजा से पहले गणेश जी की पूजा होनी ही है। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी इसीलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उनके बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। सबसे पहले गणपति पूजेंगे, फिर लक्ष्मी जी पूजी जाती हैं। तो यही मेन कारण है जिस वजह से लक्ष्मी गणेश की पूजा साथ होती है और गणेश जी सुख देते हैं, लक्ष्मी जी धन देती हैं। सुख और समृद्धि दोनों साथ साथ पूजे जाते हैं। तो ये इस पूजा का नियम है। और हाँ, दिवाली के दिन जब आप लोग पूजा करते हैं उस समय सरस्वती माँ की पूजा भी जरूर कीजिए, उनकी अर्चना भी जरूर कीजिए और साथ में विष्णु जी को भी पूजिए क्योंकि पत्नी कितनी भी महान क्यों ना हो जाए वो अपने पति के लिए हमेशा सोचती है, उनकी रिस्पेक्ट में खड़ी रहती है। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी के पति हैं तो उनकी भी पूजा होनी चाहिए। और सरस्वती माँ की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उनसे ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तभी तो आप धन कमा पाओगे, तभी तो उस धन को सही जगह निवेश कर पाओगे, इस्तेमाल कर पाओगे। इसलिए सरस्वती माँ की पूजा बहुत अनिवार्य है। आप सबसे पहले गणपति पूजन करें, फिर आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, फिर सरस्वती माँ की पूजा करें और फिर विधान से आप जगदीश जी की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करें। इस तरह से पूजा अर्चना कीजिए, मन से कीजिए और हाँ प्रार्थना कीजिए कि सुख समृद्धि के साथ सद्गुण और ज्ञान की रोशनी भी आप लोगों को मिलती रहे। आप लोग अच्छे पथ पे चल के दिवाली इसी हर्षोल्लास के साथ हमेशा सारी जिंदगी मनाते रहें। आज के दिन चौमुखी दीपक भी जलाइए, उसके साथ साथ 26 दीपक और जलाइए। चौमुखी दीपक आप लक्ष्मी गणेश के सामने रखेंगे और जो बाकी के 26 दीपक हैं वो अपने घर के हर कोने में, हर जगह, जहां जहां भी जगह है वहां वहां आप उस उन दीपकों को रख देंगे। ठीक है, इस तरह से करके आज के दिन का ये काम संपन्न होगा। और लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ नवग्रह भी बनाइएगा, चावल से नवग्रह बनाइए छोटे छोटे और उन नवग्रहों को पूजिएगा। ठीक है, आज के दिन 1 10 के नोट पे धन के लिए धन्यवाद का स्ट्रिप जरूर लगाइए और लगा करके उसे लक्ष्मी जी के चरणों में रखिए और उसे भी पूजिएगा। बहुत 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 बेनिफिशियल है ये। इसका तो इफेक्ट आप लोगों को थोड़े दिन में ही नजर आने लगेगा। 10 रुपए के नोट पे एक पतला सा व्हाइट स्ट्रिप ले लीजिए पेपर का, उस स्ट्रिप पे सिर्फ लाल रंग के स्केच पेन से या पेन से लिख दीजिए धन के लिए धन्यवाद बस, और उनके चरणों में चढ़ा के उस नोट को आप जो भी है तिलक करके अक्षत वगैरह डाल के उसे पूजिए साथ में। ठीक है, और इस तरह से खुशी खुशी दिवाली मनाइए और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और खूब सारी बधाइयाँ। इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।